नमस्कार, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू पीआईबी 24/7। मैं हूं मनीष मिश्रा एंड इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फिफ्थ एंड द लास्ट पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक स्टिमुलस ऑफ द आत्मनिर्भर भारत पैकेज। नाउ गाइज, आज फ्राइडे है तो आप सभी लोगों को क्विज का इंतजार होगा, बट गाइज आज के सेशन में हम क्विज नहीं करेंगे। मैंने ये सोचा कि पहले आत्मनिर्भर पैकेज को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं एंड देन उसके बाद मंडे का जो सेशन होगा उसमें मैं आपके लिए 20 बेस्ट क्वेश्चंस लेके आऊंगा फ्रॉम दिस पैकेज ओनली। ओके, जो हमने पांचों पार्ट्स पढ़े हैं उन पांचों पार्ट्स में से हम बेस्ट 20 क्वेश्चंस करेंगे इन द मंडे सेशन। ऑलराइट, सो इन द मीन टाइम ऑन सैटरडे एंड संडे आप इन पांचों पार्ट्स को रिवाइज कर लीजिए ताकि आपका जो क्विज है वो अच्छे से अच्छा जाए, आपके मार्क्स 20 में से 20 आए। ऑलराइट, सो नाउ लेट्स बिगिन विद द टुडे सेशन। सो गाइज, फाइनली फाइनेंस मिनिस्ट्री ने फाइनल डोज की अनाउंसमेंट कर दी थी ऑफ द आत्मनिर्भर पैकेज, जिसके अंतर्गत काफी चीजों के ऊपर ध्यान दिया गया, लाइक हेल्थ के ऊपर ध्यान दिया गया, डिसइन्वेस्टमेंट के ऊपर, अनएम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्री एंड फाइनली काफी स्टेट्स की कंप्लेंट आ रही थी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की उनकी तरफ से स्टेट्स को कोई भी सपोर्ट नहीं मिल रहा, स्टेट्स के पास जो फंडिंग है वो नहीं आ रही है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो फिफ्थ अनाउंसमेंट था, यानी कि जो फाइनल डोज था ऑफ द इकोनॉमिक पैकेज, उसमें स्टेट्स के लिए भी कुछ अनाउंसमेंट की है। सो नाउ लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट अनाउंसमेंट। सो गवर्नमेंट विल एलोकेट एन एडिशनल 40,000 करोड़ रुपीज अंडर द मनरेगा। मनरेगा के अंदर एडिशनल 40,000 करोड़ रुपए गवर्नमेंट एलोकेट करेगी, जो कि 61,000 करोड़ यानी कि 61,000 करोड़ जो कि इस साल के बजट में एलोकेट किया गया था फॉर मनरेगा, उससे अलग होगा। मतलब ये जो 40,000 करोड़ है ये एडिशनल एलोकेशन होगा अदर देन दिस 61,000 करोड़ विच वॉज एलोकेटेड इन दिस ईयर्स बजट फॉर द मनरेगा स्कीम। ऑलराइट, एंड दिस विल हेल्प जनरेट नियरली 300 करोड़ मोर पर्सन डेज ऑफ वर्क। इससे 300 करोड़ ज्यादा पर्सन डेज ऑफ वर्क जनरेट होने का अनुमान है इन दिस फाइनेंशियल ईयर, ताकि जो भी माइग्रेंट वर्कर्स हैं जो कि अपने शहरों को छोड़कर अपने घरों की तरफ लौट रहे हैं उनको काम की कमी ना हो। नाउ गाइस, व्हाट इज दिस पर्सन डेज? सो पर्सन डेज का मतलब होता है नंबर ऑफ पीपल वर्किंग पर डे मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ डेज वर्क। मतलब कितने लोग काम कर रहे हैं एंड मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ डेज उन्होंने जितने दिन काम किया। सो हमारे गवर्नमेंट के अनुमान से, गवर्नमेंट के डेटा के अनुमान से देर आर 3 करोड़ पर्सन विच आर वर्किंग अंडर द मनरेगा। तो 100 दिन का अगर उनके लिए वर्क हम एनहांस करेंगे तो देर विल बी 300 करोड़ पर्सन डेज वर्क, जो कि और ज्यादा मिलेगा। मतलब देर विल बी 300 करोड़ मोर पर्सन डेज। ऑलराइट, सो 300 करोड़ पर्सन डेज मीन्स 3 करोड़ पीपल विल गेट 100 डेज पेड वर्क इन दिस फाइनेंशियल ईयर। सो देर विल बी एन एडिशनल एलोकेशन ऑफ 40,000 करोड़ अंडर मनरेगा, ताकि जो माइग्रेंट वर्कर्स अपने शहरों को छोड़ के अपने घरों तक जा रहे हैं, अपने गांव तक जा रहे हैं, उनके लिए काम की कमी ना हो। नाउ इन द हेल्थ सेक्टर गाइस, देर विल बी इंक्रीज्ड इन्वेस्टमेंट इन द ग्रास रूट हेल्थ इंस्टीट्यूशंस। जो ग्रास रूट हेल्थ इंस्टीट्यूशंस है उसमें इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जाएगा। अब ग्रास रूट हेल्थ इंस्टीट्यूशन का मतलब होता है जैसे प्राइमरी हेल्थ सेंटर हो गए, आशा हेल्थ वर्कर्स हो गई एंड ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइज हो गई। सो इन सभी के जो ये हमारा ग्रास रूट हेल्थ इंस्टीट्यूशन है इसमें जो इन्वेस्टमेंट है उसको बढ़ाया जाएगा। एंड देर विल बी रिवैम्पिंग अप ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स इन रूरल एंड अर्बन एरियाज। जो भी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है उनको रैंपिंग अप किया जाएगा। और इंडिया को फ्यूचर पेंडेमिक से तैयार करने के लिए देर विल बी सेटिंग अप ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस हॉस्पिटल ब्लॉक्स। दिस इज गाइस वेरी इंपॉर्टेंट, इन्फेक्शियस डिजीजेस हॉस्पिटल ब्लॉक्स को सेटअप किया जाएगा इन ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स। सारे डिस्ट्रिक्ट्स में इन्फेक्शियस डिजीजेस हॉस्पिटल ब्लॉक्स बनाए जाएंगे। स्ट्रेंथनिंग ऑफ लैब नेटवर्क एंड सर्विलांस बाय इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब्स, ताकि जो टेस्टिंग है वो एफिशिएंटली हो सके। नेक्स्ट इज स्ट्रेंथनिंग ऑफ पब्लिक हेल्थ यूनिट टू मैनेज पेंडेमिक्स। जो पब्लिक हेल्थ यूनिट है उसको स्ट्रेंथन किया जाएगा ताकि पेंडेमिक्स को मैनेज किया जा सके। नेशनल इंस्टीट्यूशनल प्लेटफॉर्म फॉर वन हेल्थ बाय ICMR विल एनकरेज रिसर्च। एक प्लेटफॉर्म नया बनाया जाएगा जिसका नाम रखा जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूशनल प्लेटफॉर्म फॉर वन हेल्थ, और इसको कौन बनाएगा? ICMR। एंड दिस इंस्टीट्यूशनल प्लेटफॉर्म विल एनकरेज मोर रिसर्च ऑन द पैंडेमिक्स। ऑलराइट, एंड नेक्स्ट इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल डिजिटल हेल्थ ब्लूप्रिंट अंडर द नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। नाउ गाइस, नेशनल डिजिटल हेल्थ ब्लूप्रिंट का जो विजन है दैट इज टू क्रिएट अ नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम दैट सपोर्ट्स यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, जो कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को सपोर्ट करेगा थ्रू प्रोविजन ऑफ अ वाइड रेंज ऑफ डेटा इंफॉर्मेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज।
डेटा इंफॉर्मेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर की मदद से यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को प्रमोट करना ही नेशनल डिजिटल हेल्थ ब्लूप्रिंट का विजन है। ऑलराइट, नाउ गाइस, वन हेल्थ का मतलब क्या होता है? वन हेल्थ का मतलब होता है कि सभी सारी कम्युनिटीज, मतलब अगर लोकली नेशनली और ग्लोबली जब सभी लोग मिलकर काम करते हैं फॉर द बेटरमेंट, फॉर द बेटर हेल्थ ऑफ एनिमल, प्लांट्स एंड आर एनवायरमेंट, तो उसको हम बोलते हैं वन हेल्थ। ऑलराइट, वन हेल्थ का मतलब क्या है कि जो कंपोजिट एफर्ट्स हैं जो कि लोकली लगाए जा रहे हैं, नेशनली एंड ग्लोबली, टू इंक्रीज द, टू इंप्रूव द हेल्थ ऑफ द एनिमल, प्लांट्स एंड एनवायरमेंट, इस चीज को हम क्या बोलते हैं? वन हेल्थ। सो देयर विल बी अ नेशनल इंस्टीट्यूशन प्लेटफॉर्म फॉर वन हेल्थ बाय ICMR दैट विल एनकरेज रिसर्च। नाउ नेक्स्ट अनाउंसमेंट इज फॉर एजुकेशन। सो गाइस, इन एजुकेशन सेक्टर एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया जाएगा जिसका नाम है PM ई विद्या। सो ये जो ई विद्या प्रोग्राम है, इट इज फॉर मल्टीमोड एक्सेस टू डिजिटल और ऑनलाइन एजुकेशन विद इमीडिएट इफेक्ट। क्योंकि अभी स्कूल, कॉलेजेस एंड सारे यूनिवर्सिटीज बंद पड़े हैं, तो ऑनलाइन जो एजुकेशन है उसको हमें इम्प्रूव करना पड़ेगा, और ताकि इन फ्यूचर भी हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ऑफ द ऑनलाइन एजुकेशन वो स्ट्रेंथन हो सके, ताकि इन फ्यूचर अगर कोई और वायरस या फिर और कोई पेंडेमिक आता है तो उस समय हमारा जो एजुकेशन सेक्टर है वो बिल्कुल तैयार हो उससे निपटने के लिए। एंड ये जो पीएम ई विद्या प्रोग्राम है, इट इंक्लूड्स दीक्षा। नाउ गाइस, कैन यू टेल मी द फुल फॉर्म ऑफ दीक्षा? मैंने कई बार आपको अपने लेक्चर्स में बताया है, राइट डाउन इन द कमेंट्स। सो जो पीएम ई विद्या प्रोग्राम है, इसमें दीक्षा को इंक्लूड किया जाएगा, जो कि ऑलरेडी एक पोर्टल है ऑफ द HRD मिनिस्ट्री फॉर स्कूल एजुकेशन इन स्टेट्स एंड UTs, और इसके जो भी ई कंटेंट है उसको स्ट्रेंथन कराया जाएगा बाय प्रोवाइडिंग मोर ई कंटेंट एंड QR कोडेड टेक्स्ट बुक फॉर ऑल ग्रेड्स। एंड इससे जो है वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म को बढ़ावा मिलेगा। देयर विल बी वन TV चैनल पर क्लास फ्रॉम क्लास 1st to 12th, उन लोगों के लिए जहां पे इंटरनेट एक्सेस अच्छे से नहीं है, वहां के लिए एक TV चैनल बनाया जाएगा पर क्लास फ्रॉम क्लास 1st to 12th। अदर देन दिस, देयर विल बी एक्सटेंसिव यूज ऑफ रेडियो, कम्युनिटी रेडियो एंड पॉडकास्ट। स्पेशल ई कंटेंट तैयार कराया जाएगा फॉर विजुअली एंड हियरिंग इम्पेयर्ड पीपल, एंड टॉप 100 यूनिवर्सिटीज विल बी परमिटेड टू ऑटोमेटिकली स्टार्ट ऑनलाइन कोर्सेज बाय 30th May 2020 तक। टॉप 100 यूनिवर्सिटीज को परमिट किया कर दिया जाएगा टू ऑटोमेटिकली स्टार्ट द ऑनलाइन कोर्सेज। सो ये कुछ स्टेप्स लिए गए हैं एजुकेशन में। इसके अलावा गाइज, एक और इनिशिएटिव लॉन्च किया जाएगा जिसका नाम है मनोदर्पण। मनोदर्पण इनिशिएटिव इज फॉर साइको एंड सोशल सपोर्ट फॉर स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड फैमिलीज, स्टूडेंट्स, टीचर्स और फैमिलीज के साइकोलॉजिकल एंड सोशल सपोर्ट के लिए, ताकि उनका जो मेंटल हेल्थ है और जो उनका इमोशनल है, जो उनके इमोशंस है, वो वेलबींग हो, मतलब फॉर देयर मेंटल हेल्थ एंड इमोशनल वेलबींग। दिस प्रोग्राम, दिस इनिशिएटिव मनोदर्पण हैज बीन लॉन्च्ड। नेक्स्ट इज न्यू नेशनल करिकुलम एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क फॉर स्कूल, अर्ली चाइल्डहुड एंड टीचर्स विल बी लॉन्च्ड। एंड अदर देन दिस, नेशनल फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी मिशन, दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट मिशन गाइज, नेशनल फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी मिशन लॉन्च किया जाएगा फॉर इंश्योरिंग दैट एवरी चाइल्ड अटेन्स लर्निंग लेवल्स एंड आउटकम्स इन ग्रेड 5 बाय द ईयर 2025, एंड दिस विल बी लॉन्च बाय द ईयर 2020 इन द मंथ ऑफ डिसंबर, दिसंबर 2020 तक इसको लॉन्च कर दिया जाएगा। एंड दिस इज फॉर इंश्योरिंग दैट एवरी चाइल्ड attains learning levels and outcomes in grade 5 by the year 2025. So these are some steps जो कि education sector में लिए जाएंगे as per the announcement made by the finance minister. Now guys, there are some measures related to IBC, that is insolvency and bankruptcy code. This code was launched in the year 2016 ताकि जो defaulting companies है उनकी insolvency proceedings है वो की जा सके। और एक्सो, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप गवर्नमेंट द्वारा लिया जाएगा, दैट इज द रेजिंग ऑफ मिनिमम थ्रेशोल्ड। जो मिनिमम थ्रेशोल्ड लिमिट है टू इनिशिएट इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स, उसको बढ़ा के कर दिया जाएगा 1 करोड़ रुपीज, जो कि अभी कितनी है, केवल 1 लाख रुपए, 1 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ कर दिया जाएगा। इससे फायदा गाइज ये होगा कि अभी काफी सारी कंपनीज ऐसी होंगी जो कि डिफॉल्ट के थ्रेट के सामने खड़ी होंगी, क्योंकि COVID-19 के लॉकडाउन की वजह से उनका बिजनेस बिल्कुल ठप पड़ा था, तो उनके पास कोई भी बिजनेस नहीं था, कोई प्रॉफिट नहीं था, तो उनके सामने बहुत बड़ा थ्रेट है इंसॉल्वेंट होने का। सो इस एक्शन से, दिस एक्शन विल सेव अ लॉट ऑफ बिजनेसेस विच आर ऑलरेडी फेसिंग अ थ्रेट ऑफ डिफॉल्ट एंड दस अवॉइड लार्ज स्केल इंसॉल्वेंसीज। ऑलराइट, एंड देयर विल बी स्पेशल इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क फॉर MSMEs अंडर सेक्शन 240A ऑफ द IBC। ओके, स्पेशल इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क बनाया जाएगा MSMEs के लिए,
ताकि एमएसएमई का जो इंसॉल्वेंसी फ्रेमवर्क है उसमें थोड़ा सा जो है रिबेट दी जाए अंडर सेक्शन 240A। नाउ गाइस यू आपको सेक्शन 240A याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, राइट? वो काफी टेक्निकल है। नाउ नेक्स्ट इज सस्पेंशन ऑफ फ्रेश इनिशिएशन ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स अप टू 1 ईयर डिपेंडिंग अपॉन द पेंडेमिक। अब कोई भी फ्रेश इनिशिएशन नहीं की जाएगी ऑफ द इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स अगले 1 साल तक, एंड दैट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द पेंडेमिक। अगर ये ज्यादा स्ट्रेच हुआ तो इस 1 साल को बढ़ा के और भी बड़ा कर दिया जाएगा, और जल्दी खत्म हो गया तो इसको कम भी किया जा सकता है। सो देर विल बी सस्पेंशन ऑफ फ्रेश इनिशिएशन ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स अप टू 1 ईयर। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजन इज दैट एक्सक्लूजन ऑफ COVID-19 रिलेटेड डेट। जो भी COVID-19 रिलेटेड डेट लिया गया है उसको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ डिफॉल्ट। एंड ये जो पावर होगी ये किसके पास होगी? केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर होगी। सो दिस प्रोविजन विल एम्पावर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू एक्सक्लूड COVID-19 रिलेटेड डेट फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ डिफॉल्ट अंडर द IBC फॉर द पर्पज ऑफ ट्रिगरिंग इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स। ऑलराइट, इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स ज्यादा से ज्यादा ट्रिगर ना हो इसके लिए जो डिफॉल्ट की डेफिनेशन है उसमें से COVID-19 रिलेटेड डेट को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, और इसकी पावर होगी केवल और केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। नाउ देर आर सम चेंजेस इन द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट, और सबसे जो इंपॉर्टेंट प्रोविजन है वो ये है कि जो माइनर वायलेशंस हैं, जैसे कि टेक्निकल एंड प्रोसीजरल डिफॉल्ट हो गए, अगर कोई टेक्निकल एंड प्रोसीजरल डिफॉल्ट करता है, लाइक फॉर एग्जाम्पल शॉर्ट कमिंग इन CSR रिपोर्टिंग, इनएडिक्वेसीज इन बोर्ड रिपोर्ट, फाइलिंग डिफॉल्ट्स एंड डिले इन होल्डिंग एनुअल जनरल मीटिंग, दैट वुड नॉट बी कंसिडर्ड एज अ इलीगल ऑफेंस और अ क्राइम। ऑलराइट, इसको क्राइम की तरह ट्रीट नहीं किया जाएगा, इसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है आफ्टर दिस अनाउंसमेंट ऑफ दिस पैकेज। ऑलराइट, एंड दीज अमेंडमेंट्स विल लेसन द केसेज इन क्रिमिनल कोर्ट्स एंड द NCLT, दैट इज नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। अब इससे होगा ये, क्योंकि अब देखो छोटी छोटी चीजों के लिए भी अगर उसको क्रिमिनलाइज कर दिया जाएगा, छोटी छोटी चीजों को भी अगर क्रिमिनलाइज करा जाएगा, तो जो क्रिमिनल कोर्ट्स होंगे और जो NCLT होंगे उसमें ज्यादा से ज्यादा बहुत ज्यादा केसेस जमा हो जाएंगे, तो इससे उनका वर्कलोड बढ़ सकता है, और जो कंपनीज है वो भी डीमोटिवेटेड हो सकती है, और इस समय हमारी कंपनीज को मोटिवेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो ताकि कंपनीज डीमोटिवेट ना हो और जो NCLT है और क्रिमिनल कोर्ट्स है वहां पे ओवरबर्डनिंग ना हो ऑफ द केसेस, इसके लिए इन कुछ छोटे छोटे वायलेशन जो है इनको डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है। एंड गाइस, NCLT इज अ क्वासी जुडिशियल बॉडी इन इंडिया दैट एडजुडिकेट्स इश्यूज रिलेटिंग टू इंडियन कंपनीज। नाउ नेक्स्ट इज देर आर सम प्रोविजंस फॉर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस फॉर कॉर्पोरेट्स। कॉर्पोरेट्स के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करने के लिए कुछ प्रोविजंस आए हैं, जैसे कि नंबर 1 इज डायरेक्ट लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज बाय इंडियन पब्लिक कंपनीज इन परमिसिबल फॉरेन ज्यूरिसडिक्शन। जो भी इंडियन पब्लिक कंपनीज है वो परमिसिबल फॉरेन ज्यूरिसडिक्शन में अपनी सिक्योरिटीज को डायरेक्टली लिस्ट कर पाएंगे। इससे फायदा ये होगा दैट दिस वुड प्रोवाइड ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ कैपिटल फॉर डोमेस्टिक कंपनीज, एंड उनका जो इन्वेस्टर बेस है वो भी ब्रॉडन होगा। ओके, ये काफी फायदेमंद रहेगा हमारी पब्लिक कंपनीज के लिए, क्योंकि उनके पास एक ऑल्टरनेटिव सोर्स खड़ा हो जाएगा कैपिटल का, एंड जो उनका इन्वेस्टर बेस है वो भी काफी ब्रॉडन होगा। इससे ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट इंडियन पब्लिक कंपनीज में आ पाएंगी। अदर देन दिस, प्राइवेट कंपनीज विच लिस्ट नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स ऑन स्टॉक एक्सचेंजेस नॉट टू बी रिगार्डेड एज लिस्टेड कंपनीज। ऐसी प्राइवेट कंपनीज विच लिस्ट नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स ऑन स्टॉक एक्सचेंजेस उनको लिस्टेड कंपनी नहीं माना जाएगा। एंड नाउ गाइज, व्हाट इज दिस नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स? सो गाइज, अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो आपको 100% ये बात पता होगी कि डिबेंचर्स क्या होते हैं। डिबेंचर्स आर लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स विच एक्नॉलेज अ डेट ऑब्लिगेशन टूवर्ड्स द इश्यूअर। बेसिकली एक डेट इंस्ट्रूमेंट होता है, और ऐसे डिबेंचर्स दैट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू शेयर्स और इक्विटीज, दीज आर कॉल्ड नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। ओके, ऐसे डिबेंचर्स जिनको शेयर्स में और इक्विटीज में कन्वर्ट नहीं कर सकते उनको हम नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स बोलते हैं। सो आपके एग्जाम के लिए इतनी डेफिनेशन काफी है, अगर आपको इतना भी पता है तो दैट इज मोर देन इनफ। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट इज जो NCLAT है, नेशनल कंपनी लॉ अपैलेट ट्रिब्यूनल, उसको पावर दे दी गई है टू क्रिएट एडिशनल और स्पेशलाइज्ड बेंचेस, एंड देयर विल बी लोअर पेनल्टीज फॉर ऑल डिफॉल्ट्स फॉर स्मॉल कंपनीज, 1% कंपनीज, प्रोड्यूसर कंपनीज एंड स्टार्टअप्स, ताकि इन कंपनीज को डीमोटिवेट होने से बचाया जा सके और ये ज्यादा से ज्यादा अपने काम पे ध्यान दे।
एंड गाइस ये जो नेशनल कंपनी लॉ अपैलेट ट्रिब्यूनल है, इट इज द अपैलेट ट्रिब्यूनल फॉर हियरिंग अपील्स अगेंस्ट द ऑर्डर्स ऑफ एनसीएलटी। मतलब सबसे पहले केस कहां पे जाते हैं, एनसीएलटी में, और जब ये अपना केस अपना फैसला सुना देता है देन इसको अपील करने के लिए जो भी कंपनी है वो कहां पे जा सकती है, एनसीएलटी, दैट इज नेशनल कंपनी लॉ अपैलेट ट्रिब्यूनल, विच इज अ अपैलेट ट्रिब्यूनल फॉर हियरिंग द अपील्स अगेंस्ट द ऑर्डर्स ऑफ एनसीएलटी। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट इज पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज पॉलिसी, एक नई अनाउंस की जाएगी इन द नियर फ्यूचर, जिसमें यह होगा दैट देयर विल बी अ लिस्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स रिक्वायरिंग प्रेजेंस ऑफ पीएसई पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस इन पब्लिक इंटरेस्ट। ओके, सो एक स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स की गाइस लिस्ट तैयार की जाएगी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जहां पे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का होना बहुत जरूरी है इन पब्लिक इंटरेस्ट, मतलब उसको 100% प्राइवेटाइज नहीं कर सकते, एंड टू मिनिमाइज वेस्टफुल एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट नंबर ऑफ एंटरप्राइजेस इन स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स विल ऑर्डिनरी बी फ्रॉम ओनली 1 to 4, केवल 1 से 4, मतलब मिनिमम 1 और मैक्सिमम 4 पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हो सकेंगी इन द स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स, एंड अदर्स विल बी प्राइवेटाइज्ड और मर्ज्ड और ब्रॉट अंडर होल्डिंग कंपनीज। ऑलराइट, सो मिनिमम 1 एंड मैक्सिमम 4 पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस विल बी देयर इन द स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स। एंड गाइस, ये स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन या इसकी लिस्ट अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं दी है, बट मोस्ट प्रोबेबली स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में लाइक डिफेंस सेक्टर आ जाएगा, स्पेस सेक्टर आ जाना चाहिए, एंड एटॉमिक एनर्जी, सो इस तरीके के जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारी नेशनल इंटरेस्ट में या फिर पब्लिक इंटरेस्ट में या फिर नेशनल सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं, वहां पे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का होना जरूरी माना जाएगा, बट अभी तक स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स की कोई भी लिस्ट गवर्नमेंट ने नोटिफाई नहीं की है। नाउ फॉर अदर सेक्टर्स, जो स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स से अलग है, तो उनमें क्या होगा, जितने भी पीएसईज है दैट विल बी प्राइवेटाइज्ड। ओके, एंड दिस पॉलिसी टू प्राइवेटाइज पब्लिक सेक्टर इज एक्सपेक्टेड टू गिव अ बूस्ट टू द गवर्नमेंट्स डिस इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम। जो गवर्नमेंट का डिस इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम है, ये अनाउंसमेंट उसको बूस्ट प्रोवाइड कराएगा, क्योंकि बाकी जितने भी सेक्टर्स है, उनके जितने भी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है, उनको प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा बाय डिस इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम। ऑलराइट, नाउ गाइस फाइनली, अब जैसे कि हमने शुरू में भी पढ़ा था कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स है उनको काफी कंप्लेंट थी, तो स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए भी कुछ पैकेज गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है। सो द फर्स्ट प्रोविजन इज दैट द सेंटर हैज डिसाइडेड टू इंक्रीज बोरोइंग लिमिट्स ऑफ स्टेट्स फ्रॉम 3% to 5%, मतलब 3 से 5% तक की जो बोरोइंग लिमिट्स है उसको बढ़ाया जा सकता है, एंड फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर ओनली, फॉर 2020-21 के लिए है बस ये, केवल उससे ज्यादा नहीं है। Alright, and this will give states extra resources of ₹4.28 lakh crore. And guys, remember one thing that this part of the borrowing will be linked to specific reforms only. मतलब कि ये पैसा जो है वो कुछ reforms के लिए ही use किया जा सकेगा, उसके अलावा नहीं। क्योंकि अगर मान लो कि कोई state ये पैसा जो extra funding central government दे रही है, अगर वो उसको किसी और reforms में use कर लेगी, then that will be the violation of this प्रोविजन। ऑलराइट, सो ये जो पैसा होगा ये केवल स्पेसिफिक रिफॉर्म्स में ही इन्वेस्ट किया जा सकेगा बाय द स्टेट गवर्नमेंट, एंड दीज रिफॉर्म लिंकेज विल बी इन 4 एरियाज। ये जो रिफॉर्म लिंकेज है ये कौन से 4 एरियाज के हैं, नंबर 1 इज यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ वन नेशन वन रेशन कार्ड, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, पावर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, एंड अर्बन लोकल बॉडी रेवेन्यूज को इंक्रीज करने के लिए ही जो ये एक्स्ट्रा फंडिंग है इसका यूज कर पाएगी स्टेट गवर्नमेंट्स। नाउ अदर देन दिस, स्टेट्स कैन बोरो मोर इन द फॉलोइंग पैटर्न नोटिफाइड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। इस जो ये गिवन पैटर्न है, इसी पैटर्न में जो स्टेट्स है वो एक्स्ट्रा फंड्स को बोरो कर सकती हैं। तो नंबर 1 इज अनकंडीशनल इंक्रीज ऑफ 0.50%। 0.50% का जो इंक्रीज है वो अनकंडीशनल होगा, देर विल बी नो कंडीशन इन दैट। नेक्स्ट 1% इन 4 tranches ऑफ 0.25% विद ईच ट्रांच लिंक्ड टू क्लियरली स्पेसिफाइड मेजरेबल एंड फीजिबल रिफॉर्म सेक्शन। मतलब कि जो अगला 1% होगा वो 0.25% के 4 tranches में दिया जाएगा, और ये जो 1% है ये पूरा का पूरा पैसा जो भी फिजिबल रिफॉर्म एक्शन है उसी में लगेगा। एंड नेक्स्ट इज फर्दर 0.5% इफ माइलस्टोन्स आर अचीव्ड इन एटलीस्ट 3 out of the 4 रिफॉर्म्स एरिया। अगर 4 में से 3 कम से कम एरियाज में माइलस्टोन को अचीव कर लिया जाएगा, देन देयर विल बी एलोकेशन ऑफ फर्दर 0.5% बोरोइंग्स। ऑलराइट, सो दिस वॉज अबाउट द सपोर्ट टू द स्टेट गवर्नमेंट्स। आई होप आपको ये क्लियर है, जो सेंटर हैज डिसाइडेड टू इंक्रीज बोरिंग लिमिट्स ऑफ स्टेट फ्रॉम 3% to 5%, 3% से लेके 5% तक का जो इंक्रीमेंट है वो दिया जाएगा टू स्टेट गवर्नमेंट्स, एंड ये पूरा का पूरा पैसा केवल 4 एरियाज में लगाया जा सकेगा, दैट इज वन नेशन वन रेशन कार्ड,
ease of doing business, power distribution and urban local body revenue. So guys, this was all about the final dose. And ये जो list है इसमें आप देख सकते हो पूरा का पूरा calculation है of the 20 lakh crore and ये पूरा का पूरा bill के बन जाता है 20,97,053 crore rupees. okay, तो ये पूरी की पूरी calculation आप देख सकते हो. हालांकि इस calculation को याद रखने की कोई जरूरत नहीं है. And this picture has been taken from the Instagram page of BJP. Now let's do some question based on what we have discussed. So question number one is, in an effort to provide some relief to migrants returning home, the center gave a hike in the allocation to the MNREGA by rupees 40,000 crore. It will help nearly dash persons in total in this financial year. So guys, हमने पढ़ा था that 300 crore person days का जो work है वो increase होगा. There will be 300 crore more person days of work. So 300 crore person days का मतलब कितने persons को benefit मिलने वाला है? Option A, 3 crore will be the correct answer. Now question number 2. With all educational institutes shut down in the nation due to the coronavirus outbreak and the nationwide lockdown, the students of the country are suffering academically. To combat this problem, Finance Minister announced various steps for this aspect, which is not correct about the steps. इनमें से क्या correct step नहीं है about the education sector? So option A is Mano Darpan initiative. Yes, this is absolutely correct. New national curriculum and pedagogical framework for school, early childhood and teachers. Yes, this is also correct. Next is PME Vidya program for multimode access to digital online education. Of course, this is also correct. National foundational literacy and numeracy mission for ensuring child's learning level and outcomes in grade 5. Yes, this is also there. So option E ही हमारा correct answer होगा, लेकिन फिर भी इसको पढ़ लेते हैं एक बार. National Skill Management Guidance Mission to guide class 10th and 12th students. No, ऐसा कोई भी provision नहीं ला गया. So therefore guys, ये option incorrect है. मतलब कि जो हमारा सही answer होगा that will be option E. Alright, so option E will be the correct answer. Now question number 3. Consider the statements with respect to the measures taken related to insolvency and bankruptcy code announced in the final stimulus of the Atmanirbhar Bharat Abhiyan by the Finance Minister and find out which statements are correct. Alright, so option 1, suspension of new bankruptcy filings on loan defaults for 1 year. Yes, this is correct. Raised the threshold for IBC for 2 rupees 1 crore from the current rupees 1 lakh. Yes, this is correct. Debts related to the coronavirus pandemic will not be treated as default under the insolvency law temporarily. Yes, this is also correct. And special insolvency resolution framework for MSMEs under section 242B nahi tha, 240A tha of the IBC will be notified. So guys, ye hamara jo option hai ye incorrect hai. And we have to find the correct statements, which means option C, 1, 2 and 3 will be the correct answer to this question. Now question number 4. Center has decided to increase borrowing limits of states from 3% to 5% for financial year 2021 only. Part of the enhanced state borrowing to be linked to specific reforms, which is not among the specific reforms. मतलब वो जो चार specific reforms की बात करी थी, हमें बताना है कि उनमें से एक कौन सा नहीं है. तो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ वन नेशन कार्ड, यस दिस इज देयर. ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन भी है एंड अर्बन लोकल बॉडी रिवेन्यूज भी है. सो गाइज, देयरफॉर द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी गाइज एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट परफॉर्मेंस, मतलब कि ऑप्शन ई विल बी द करेक्ट आंसर. नाउ नेक्स्ट इज, एटलीस्ट वन एंड मैक्सिमम 4 एंटरप्राइज विल रिमेन इन द पब्लिक सेक्टर बट प्राइवेट सेक्टर विल ऑल्सो बी अलाउड. इट इज अनाउंस्ड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर इन द फाइनल स्टिमुलस ऑफ आत्मनिर्भर भारत अभियान. Which sector is indicated in the statement? किस सेक्टर की बात कही गई थी? So guys, ये जो सेक्टर था इसका नाम है strategic sectors. And remember one thing कि अभी तक strategic sectors की कोई भी लिस्ट नहीं तैयार की गई है. In future जैसे ही strategic sectors की लिस्ट आ जाएगी वो मैं आपको एक separate video में provide करा दूंगा. So therefore guys, the correct answer to this question will be option 1, strategic sectors. मतलब कि option A, only one will be the correct answer to this question. Alright. So guys, that's it for today's session. I hope you like it. Monday के session में हम quiz करेंगे based on the आत्मनिर्भर भारत package. जो भी हमने Monday to Friday पांचों parts करे हैं of the आत्मनिर्भर package, वो आप अच्छे से prepare कर लीजिएगा. I want कि every student gets 20 on 20. हम 20 question as quiz करने वाले हैं on the Monday session. And for more updates, do subscribe our channel and press the bell icon. मिलते हैं next session में. Thank you so much for watching. Goodbye, take care, God bless, and keep watching PIB 24/7. Monday to Friday at 8 a.m. only on anujindal.in.